उदयपुर की घटना जो हुई, इस घटना पर आपको वर्ल्ड का रिएक्शन भी जानना चाहिए। आपने इंटरनेट बैन के ऊपर सुना, उदयपुर की घटना पर वर्ल्ड के द्वारा क्या कहा गया, एक न्यूज की ब्रीफिंग के रूप में आप इसलिए जरूर जान लीजिए कि देश के अंदर हुई एक घटना अंतरराष्ट्रीय रूप से भी कितना मायने रखती है, वो आपको विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पता चल जाएगा। यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस घटना का निंदा की गई है। उदयपुर के जो टेलर की हत्या हुई उसको यूएन ने कंडेम किया है और कहा है कि देयर शुड बी फुल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। साथ में यूएन के द्वारा यह कहा गया, ये तो आप कवर करके देख ही सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स समेत ग्लोबल टाइम्स या रॉयटर्स, इन सब ने इस खबर को कैसे लिया, ये केवल इसलिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस घटनाक्रम को कैसे देखा गया वो एक बार के लिए देखते हैं। एंटोनियो गुटेरेस का नाम तो सुना ही होगा, जब यूएन की आप बात करते हैं तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपने द्वारा कहा है कि देयर शैल बी फुल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, डिफरेंट कम्युनिटीज जो एक साथ रहें वो पूरी हार्मनी और पीस के साथ ग्लोबली निवास करें। ये है यूएन चीफ का कमेंट। इसके साथ साथ यूएन चीफ के द्वारा ये जो कमेंट दिया गया ये हमने आपको बता दिया। इसी बीच में एक और न्यूज निकल करके आई और वो है मोहम्मद जुबैर के बारे में। ये काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहे हैं, ये न्यूज भी हम कवर करना चाह रहे थे लेकिन छूट गई थी हमसे। एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है अल्ट न्यूज, ALT न्यूज। इस एल्ट न्यूज का जो संस्थापक कहिए या CEO कहिए, उनका नाम मोहम्मद जुबैर है, वो फैक्ट चेक करने के नाम पर, फैक्ट चेक का मतलब जैसे मैंने कोई जानकारी आपको दी वो सही है या गलत, वो इसके बारे में जानकारी करने की अपनी न्यूज एजेंसी चलाते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के पीछे का जो कारण बना वो ये था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट डाली जो हिंदू मुसलमानों को भड़काने वाली थी, सेपरेटिस्ट प्रकार की थी। उस पोस्ट के अंदर उन्होंने कोई बहुत पुरानी फिल्म, 1980s की फिल्म थी, उस फिल्म का एक दृश्य लिया और उसको इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। और उस पोस्ट के अंदर जितनी जानकारी मुझे मिली उसमें कहीं लिखा हुआ था कि एक होटल का नाम था हनीमून होटल, उसका नाम अब बदलकर हनुमान होटल हो गया है। यानी एक सरकाज़म के रूप में उन्होंने कोई पोस्ट किया था, जिस वजह से किसी व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस से इनकी शिकायत की, दिल्ली पुलिस ने इनको उठा करके IPC की धाराओं के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया। ये घटना गिरफ्तारी से ज्यादा पॉलिटिकल मार्केट के अंदर काफी ज्यादा चर्चित हो गई है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी ने इस गिरफ्तारी के ऊपर ट्वीट किया, इस वजह से ये काफी ज्यादा इस समय मतलब सुर्खियों में चलने वाली घटना है। इस घटना का अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी काफी जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कि पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, है ना। तो ये जो घटना है, लेकिन देश के अंदर दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार क्यों किया, क्योंकि इनके खिलाफ FIR हुई थी, IPC के सेक्शन 153A के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, गार्जियन जो कि ब्रिटेन का एक बहुत महत्वपूर्ण अखबार है, उन्होंने लिखा कि किलिंग ऑफ हिंदू टेलर प्रॉम्प्ट इंटरनेट शटडाउन। देखिए इस न्यूज में भी इंटरनेट शटडाउन को महत्व दिया गया है। इन इंडियन स्टेट ओवर अनरेस्ट फियर, यानी कि दंगा फसाद ना फैल जाए इसके डर के चलते इंडिया के एक राज्य के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया, एक हिंदू टेलर, यानी कि यहां पर स्पेसिफिक रिलीजन के साथ में सारी बातें की गई। गार्जियन ने पूरी अखबार की न्यूज को इस प्रकार से कवर किया। ऐसे ही द न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, जो कि अमेरिका का बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसने भी रिलीजियस अनरेस्ट स्प्रेड इन इंडिया विद किलिंग ऑफ हिंदू मैन, अगेन यहां पर रिलीजन के साथ साथ बातें की गई। ऐसे ही चाइना ने टेंशन इन उदयपुर, आप सोच सकते हैं चाइना में लोग उदयपुर को जानते हैं, समझ रहे हैं आप भाई, अदरवाइज कोई कैसे डाले, यहां पे ये इंडियन स्टेट लिख रहे हैं, उदयपुर तो इनको पता ही नहीं है न्यूयॉर्क व्यूयॉर्क वालों को। और चाइना के लोग कितने लिटरेट हैं कि वो अपने न्यूज़पेपर में केवल इतना लिखता है, टेंशन इन उदयपुर। अब तुम्हारी मर्जी है, तुमको सर्च करना है तो करो, नहीं तो मत करो। सोचो ये बिल्कुल ऐसे हो गया अपने लिए जैसे अपन ताइवान, हांगकांग या फिर कोई और बीजिंग, शंघाई जानते हैं, ये लोग उदयपुर को जानते हैं, हमें अच्छा लगा। ऐसे ही साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उसने लिखा है बी हेड ऑफ हिंदू टेलर इन इंडिया अमिड सेक्टोरियन वायलेंस और प्रॉफिट मोहम्मद रिमार्क। प्रॉफिट मोहम्मद चुप रहो, प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जो रिमार्क दिया उसके ऊपर एक हिंदू मैन का बी हेड यानी सर काट दिया गया। ऐसे ही डॉन जो पाकिस्तान का अखबार है, इन्होंने नाम भी डॉन चुना है, हालांकि इसका मीनिंग कुछ और होता है, इन्होंने अपने द्वारा व्याख्यात्मक लेख लिखा
उदयपुर किलिंग, यानी इनके यहां पर भी उदयपुर बड़ा फेमस है, चीनी और पाकिस्तानी भाई भाई हो रखे हैं, इन्होंने भी हेडलाइन में केवल उदयपुर किलिंग डाला है। तो इन्होंने अपने द्वारा इस बात को इस प्रकार से लिखा है, इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से इंडिया के अंदर एक्सट्रीमिज्म चल रहा है उस वजह से इस प्रकार की घटनाएं जोर दे रही हैं। इन्होंने अपनी इस पूरी कार्यकारी को, जो कि इनकी ये हुए हरकत है, इसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस प्रकार की खबरें इन चीजों को लेकर लिखी गई है। अमेरिका की तरफ से रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर यूएस के एम्बेसडर का एक बयान काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि कंसर्न, यानी अमेरिका कंसर्न है इस बात को लेकर के ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर रिलीजियस कम्युनिटीज के साथ जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर हम, यानी अमेरिका, चिंतित है। अब इस बारे में इन्होंने जो बात लिखी, बियॉन्ड दीज कंट्रीज द रिपोर्ट डॉक्यूमेंट हाउ रिलीजियस फ्रीडम एंड राइट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज आर अंडर थ्रेट इन कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड होम टू ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फेथ, वी हैव सीन राइजिंग अटैक्स ऑन पीपल एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। इन वियतनाम, वेयर अथॉरिटीज हैरेस मेंबर्स ऑफ अनरजिस्टर्ड रिलीजियस कम्युनिटीज। इन नाइजीरिया, वेयर सेवरल स्टेट गवर्नमेंट आर यूजिंग एंटी डिफेमेशन एंड ब्लास्फेमी लॉ टू पनिश पीपल ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर बिलीफ। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की तरफ से एक इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट के अंदर दिया गया डायलॉग है। यानी इंडिया भी अब कोर्ट होने लगा है रिलीजन के मामले पर, ये आप देख सकते हैं यूएस के रिपोर्ट में ये बात निकल कर आई है। ऐसे ही यूएस की रिपोर्ट्स के अंदर जो बात निकल के आई, एक बयान है, ये कोई मतलब प्रवक्ता है, मुस्लिम प्रवक्ता है, यूएस के अंदर है, भारतीय मूल के हैं, इन्होंने भी अपने द्वारा इस प्रकार की चिंताएं व्यक्त की हैं। तो अल्टीमेटली हमारा एक भी घटनाक्रम दुनिया के लिए बहुत मायने रखता है। दुनिया हमें पीछे ही खींचना चाहती है, आगे बढ़ते हुए देखने पर उन्हें बड़ी दिक्कतें होती हैं। अब आप अपना रास्ता तय करें कि आप दुनिया में किस प्रकार से अपने आप को समझका के बना के रखते हैं। आज का यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है, पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।